हेलो दोस्तों, मैं आप सबके लिए फिर से एक शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस विश्व ब्रह्मांड में रहते हैं वो कितना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते, परंतु सोचने पर चक्कर जरूर आ जाता है। हमारा यूनिवर्स का फैलाव इतना विशाल है कि हम कभी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात करें तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए अनगिनत साल लग जाएंगे। हमारा सोलर सिस्टम हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के आउटर स्पाइरल आर्म में है। हमारा सोलर सिस्टम के अलावा ऐसे लगभग 3200 सोलर सिस्टम को एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढ निकाला है। बात सिर्फ 3200 सोलर सिस्टम की ही नहीं है, सूरज के अलावा ऐसे अनगिनत सितारे हैं और ना जाने कितने सोलर सिस्टम हो सकते हैं। तो मेरे साथ चलिए आज हम अपने सोलर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम जब भी आसमान की ओर देखते हैं तो हम खो जाते हैं और कुछ कुछ सवाल दिमाग में आ जाता है। आखिर हमारा सूरज कितना बड़ा है, हमारा सोलर सिस्टम का फैलाव कितना है? तो इसका जवाब देना मुश्किल तो है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे अंक हैं। तो इसको AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से समझते हैं। सूरज से पृथ्वी की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर है। तो सूरज से सबसे दूरी ग्रह नेपच्यून की दूरी 30 AU है और हमारा एक्स प्लैनेट प्लूटो से सूरज की दूरी 39.5 AU है। इसके अलावा काइपर बेल्ट और ओट क्लाउड, ये सब आउटर सोलर सिस्टम के बारे में किसी और वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। हमारा सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और उनके मून्स, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स और अनगिनत एस्ट्रॉइड है। हमारा सौर मंडल के केंद्र में है हमारा सूरज, जो कि 4.5 बिलियन साल पुराना एक येलो ड्वार्फ स्टार है, जो कि मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सूर्य के ऊर्जा के बिना हमारे ग्रह पर जीवन असंभव है। 8 प्लैनेट्स की बात किए जाए तो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, ये 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी सूरज से सबसे नजदीक वाला ग्रह है, वेनस सबसे गर्म वाला ग्रह है और अर्थ में जीवन है और मार्स रेड प्लैनेट है। मर्क्यूरी वेनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट चांद है और मार्स का 2 नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट्स है और इनके बहुत सारे मून्स है और इनके रिंग्स भी है, जहाँ पे जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। आखिरी 2 प्लैनेट यूरेनस और नेपच्यून आइस जायंट्स है। ये दोनों सूरज से बहुत दूर होने के कारण यहाँ पे बहुत ठंड है। 8 प्लैनेट्स के अलावा और भी कई सेलेस्टियल बॉडीज सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से प्लूटो, सेरेस, एरिस, मेकमेक, इस और भी कुछ डार्क प्लैनेट्स भी शामिल हैं। बात की जाए तो मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट और नेपच्यून के बाद का काइपर बेल्ट, इनमें अनगिनत एस्ट्रॉइड्स सूरज की चक्कर लगाते हैं। ओट क्लाउड, हमारा प्लैनेट्स और सूरज के चारों ओर एक आस्तरण घिरा हुआ है, जो कि बहुत ही विशाल हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं। हमारा आउटर सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए नासा ने वॉयजर 1 और 2 जैसे स्पेस प्रोब को भेजा है। वॉयजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न गैस जायंट की रिंग्स और उनके मून्स की डिटेल इमेज भेजा है। वॉयजर 1 ने अब तक धरती से 159.75 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर जा चुका है और आगे बढ़ते हुए वह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुँच चुका है और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में इसे और भी जानकारी भेजता आया है। तो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे राज हैं जिसको समझना अब भी बाकी है, हम सिर्फ उनकी कल्पना कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।